पंजाब की माल सरकार की तरफ से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग पर जल्द ही शिकंजा कसने की तैयारी है। मौजूदा परिवहन मंत्री लालजी सिंह भुल्लर की तरफ से कहा गया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान परिवहन मंत्री रहते हुए अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने तकरीबन 825 बसों में जो मटीरियल लगाए। नेटवर्क 10 संवाददाता ने उन्हें इन्हीं मुद्दों पर खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा इन मुद्दों पर आप भी देखिए। आपके परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से इस वक्त मामला सामने आया है परिवहन विभाग को लेकर, क्या कुछ कहा? बिल्कुल, हमारी तो जो जांच है वो पहले चल रही है, राजा जी जा रहे हैं और अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी जांच चल रही है, घटिया मटीरियल बरता गया है बसों में, जो भी बॉडियों में घपला हुआ है वो अगर सामने आएगा तो बनती कार्रवाई होगी। क्या कुछ अभी तक मामले में सामने आए सर, जो अभी तक जांच हुई है, क्या पिछले 3 महीने में ही ये सब हुआ है या पिछले 5 साल के कार्यकाल? जो कांग्रेस सरकार के आखिरी 3 महीने थे जब परिवहन मंत्री राजा वड़ेंग जी से, तब 825 बसें पड़ी, तो उन 825 बसों में जो मटेरियल बरता गया बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मटेरियल है। उनके लॉक खराब हो गए हैं, बारियां खराब हो गई हैं और जगह जगह से जो उनकी चादर है बसों की वो फट रही है। तो अभी तक क्या सामने आया सर, क्या किसी दूसरे राज्य से लगाया गया था ये सारा मटेरियल या पंजाब में ही? ये मटेरियल जयपुर राजस्थान की कंपनी है, वहाँ से जो सारा तैयार करवाई गई है बॉडी वहाँ से तैयार करवाई गई है। जिस तरीके से अकाली दल कह रहा है कि मामले में किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो, तो अभी पंजाब सरकार का क्या स्टैंड है और क्या इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, जांच चल रही है, अगर दोषी होंगे तो सारी कार्रवाई होगी, जो बनती कार्रवाई होगी वो होगी, हमारा महकमा जो जांच करवा रहा है। यानी कि पिछले 3 महीने में ये सब हुआ है सर, जब कांग्रेस सरकार के लास्ट वाले जो 3 महीने थे उसमें हुआ। धन्यवाद सर। तो सीधा सीधा आरोप कहीं ना कहीं पूर्व परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर लगाते हुए नजर आए मौजूदा परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, जिनका कहना है कि 825 बसों में जो मटेरियल लगाया गया है वो काफ़ी पुराना और घटिया मटेरियल लगाया गया है। ऐसे में करोड़ों का कहीं ना कहीं घोटाला ये है, तो ऐसे में अभी जाँच चल रही है, तो देखना ये होगा कि जो जाँच भी चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या इस मामले में गिरफ्तारी भी होती है या नहीं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।